नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मोहिनी, और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है स्वस्थ विचार। दर्शकों, जैसे कि कार्यक्रम स्वस्थ विचार के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपकी बीमारियां किस प्रकार से ठीक हो सकती हैं, किस प्रकार से आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से आप स्वस्थ हो सकते हैं, और ये तमाम जानकारी हर बार हमें गुरुजी देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर शारीरिक रूप से परेशान हैं, आपको लगता है कोई ऐसी बीमारी जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो लगातार आपकी सुविधा के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, हर रोज किसी न किसी बीमारी पे हम डिस्कस करते हैं, गुरुजी से जानते हैं कौन सी बीमारी का क्या कुछ आयुर्वेदिक उपचार हो सकता है, और ऐसी ही आज हम एक बीमारी पे बात करेंगे जो कि है सूखा शरीर। यानी कि हम सेहत नहीं बन पाती, हम जिम का उपयोग करते हैं, योग करते हैं, कई तरीके के तमाम पाउडर भी पीते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता, समझ में नहीं आता कौन सी दवाई का सेवन करें, क्या खान पान करें जिससे हमारा शरीर बन जाए, सेहत बन जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ आयुर्वेदिक उपचार हम अपना सकते हैं जिससे हमारा जीवन स्वस्थ हो सकता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों को बताया, आज हम बात करेंगे सूखा शरीर के बारे में। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, योग अपनाते हैं, बहुत सारे पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन सेहत नहीं बन पाती, वैसा ही सूखा का सूखा शरीर रह जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी गड़बड़ियाँ हमारे लीवर की। जब हम लीवर से सही ढंग से काम नहीं लेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे, तो लीवर की पाचन शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है, लीवर पचाता नहीं है, खून पूरा बनता नहीं है, तो शरीर में जितना मर्जी आप खुराक लें, जो मर्जी करें, शरीर हमेशा सूखे का सूखा रहेगा, इसमें हरियाली नहीं आ सकती। आज मुझे टीवी के माध्यम से कहते हुए बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जब हम कहते हैं कि ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, नमकीन, बासी खाना, ठंडा खाना, बेटाइमा खाना, यही बीमारी की जड़ें हैं। जब आप हलवाइयों के पास जाके तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसका लीवर पे इतना दुष्ट प्रभाव पड़ता है, जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है और निकल नहीं सकती, ऐसे आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है, पचाती नहीं है, फिर पेट में जाके जब सड़ती है तो इससे गैस भी बनती है और कई किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले आपको लीवर को चेक करना है कि लीवर यदि पूरा पचा रहा है, आपका खाना बिल्कुल पच रहा है, तो आपको कोई रोग नहीं होगा और आपका खून जो है नॉर्मल रहेगा, शरीर में जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन रहेगा, न इससे कम होगा न इससे फालतू होगा। परंतु खुराक तो अच्छी खा रहे हैं, लीवर पचा नहीं रहा, ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे से निकाल रहे हैं, वो तो सिर्फ एक किस्म का कर्जा देना है, किसी चीज़ का प्रयोग करना नहीं है। आप कितनी महंगी से महंगी चीज़ खा लें, जब तक आपका लीवर पचाएगा नहीं, आपके शरीर पर कभी भी रौनक नहीं आएगी, हमेशा मुरझाया हुआ शरीर रहेगा। हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो जीभ पे कंट्रोल करना, ठंडा पानी, बासी खाना, बेटाइमा खाना, इसका बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खाते हैं, शाम को 6 से 8 के अंदर खाते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीते हैं, तो आपको किसी टॉनिक के, किसी ताकत की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके खाने से आपके सारे शरीर की जो कमियां दूर हो जाती हैं। परंतु आपका खाना पचता नहीं है, आप जितनी मर्जी खुराकें खाएं, वो आपको कभी भी शरीर पर रौनक नहीं ला सकता। आज हमारे में एक सबसे बड़ी कमी है कि जिस आटे को हम खाते हैं उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं और अंदर का कचरा पेट में जाके भरते हैं, पेट में ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जिस अनाज का, जिस सब्जी का, जिस फल का छिलका साथ है, नरम छिलका है, ब्रिक छिलका है, वो अंदर जाके एक किस्म का सोने पे सुहागे का काम करता है, परंतु जो सख्त छिलका है वो अंदर जाके नुकसान करता है। तो इसमें जितने भी पतले छिलके वाली सब्जियां हैं,
दालें हैं, अनाज हैं, ये आप छिलके के साथ लेते हैं तो ये अमृत के समान आपको लाभ देता है। परंतु जब आप छिलकों को निकाल के फेंक देते हैं, सिर्फ अंदर का कचरा खाते हैं, तो अंदर जाके ये ऐसे बैठता है पेट में जैसे पानी में पत्थर बैठता है, क्योंकि जो पतले छिलके हैं इनके साथ आयोडीन, सोडियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, क्लोरीन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये छिलके के साथ होता है। जब इसको निकाल के फेंक देते हैं तब शरीर में ये कमी पड़ती है। यदि आप इन चीज़ों का प्रयोग पूर्ण मात्रा में कर रहे हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई टॉनिक खाने की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी खुराक के लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अन्न खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं या कोई फल खा रहे हैं, तो उसी से आपके शरीर की जितनी कमियां सारी दूर हो जाती हैं और शरीर में हमेशा चमक रहती है। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। तो दर्शकों, गुरुजी ने बताया कि हमारा खान पान हमारी सेहत के लिए कितना दोषी होता है, किस प्रकार से हमारी सेहत बन सकती है, क्या कुछ हमें खाना चाहिए, गुरुजी ने हमें बताया। इस प्रकार की लगातार हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, शारीरिक रूप से परेशान है, कोई ऐसी बीमारी जिससे आप ग्रसित हो चुके हैं, आपको उसका उपचार नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल मत घबराइए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल करके गुरुजी से बात कर सकते हैं, अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं, कौन सी बीमारी के लिए क्या कुछ आयुर्वेदिक उपचार आप अपना सकते हैं जिससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाए। इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं। गुरु जी नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। हां नमस्कार बेटा, बोलिए। गुरु जी, खाना खाता हूं लेकिन वो एकदम शरीर ऐसे पतला रहता है। बेटा मैंने अभी बताया कि मैं उसी बात का जवाब दे रहा था कि जब आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, आर्टिफिशियल चीज़ें खा के लीवर के ऊपर एक किस्म की काई जम जाती है, तो खाया पिया लगता नहीं है, फिर शरीर तो कमज़ोर रहेगा ही। जो हम ब्रेड खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, परांठा खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, मैदे की चीज़ें खाते हैं, ये लीवर का नाश करने की चीज़ें हैं, या लीवर को सपोर्ट देने की चीज़ें नहीं हैं, लीवर ख़राब करने की हैं। आप जो आटा खाते हैं, जिस भी आटे को खाते हैं, उसका छिलका आटे के साथ होना चाहिए। जो सब्जी खाते हैं, नरम छिलके वाली, मुलायम छिलका जिसका है, उसकी सब्जी छिलके के साथ खाते हैं, वो लाभ देती है। जो भी आप पतले छिलके वाले फल हैं, जैसे चीकू है, सेब है, अमरूद है, आलू बुखारा है, इनको छिलके के साथ खाते हैं तो ये लाभ देते हैं, क्योंकि सिलिकॉन, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सारे छिलके के साथ होते हैं। जब उसको निकाल के फेंक देते हैं, चीज़ें निकल जाती हैं, तो शरीर में कोई भी चीज़ ताकत नहीं दे सकती, शरीर को दिन पर दिन कमज़ोर करती है। बिल्कुल, तो आपको पूरी जानकारी दे दी गई है क्या कुछ आपको खान पान करना है जिससे आपकी सेहत बन सकती है। तो दर्शकों, अगर आप भी इस प्रकार की दवाइयों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, गुरुजी ने जो भी उपचार बताया उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। बताइए, क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से। उससे गुरु से जानना चाहते हैं जी, उसका बीपी डाउन हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी लो हो जाता है, जमा प्रेग्नेंट है जी उसके, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है सर जी। देखिए बेटा, यह है आपकी जीव का स्वाद, पानी आप ठंडा पीते हैं, खाना दिन में 2-2.5 बजे खाते होंगे, रात को 10-11 बजे खाते होंगे, लीवर पूरा काम करते नहीं, जब खून पूरा नहीं बनेगा तो ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसका उपचार आप घर बैठे नहीं करा सकते, इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। आप किसी भी दिन बुधवार छोड़कर आ सकते हैं मेरे पास, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी आपके रोग शरीर में पाए जाएंगे वो सब दवाइयाँ दी जाएंगे। दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन आपके शरीर में 15 से 20%
आराम मिल जाएगा। बिल्कुल, आपकी बीमारी में परिवर्तन आपको बिल्कुल दिखाई देगा, लेकिन आपको एक तकल्लुफ करनी है, आपको सबसे पहले आश्रम में आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराना है, उसके बाद ही गुरुजी आपको कोई उपचार बताएंगे और क्या कुछ आपको खान पान करना है पूरी जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आश्रम में आइए और देखिए किस प्रकार से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं, आयुर्वेद के छोटे छोटे उपचार किस प्रकार से आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों का निवारण कर सकते हैं, तो गुरुजी द्वारा लिखी हुई 8 पुस्तकों का सेट आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, जिसमें गुरुजी ने कई आयुर्वेदिक नुस्खों को मेंशन किया है और किस प्रकार से वो आपकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिल सकती है। तो अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम है कंचन लांबा। जी कंचन जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं गुरुजी से। मैं, मेरे हस्बैंड हैं जी, पर टेंशन की दिक्कत है जी। देखो, यदि आप यहाँ इसको लाते हैं बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में, तो इसकी कैसी भी बीमारी इसको हम ठीक कर दो, परंतु यहाँ आने का नियम है कि जिससे नाना उससे न रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसते रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करके मैं बताऊँगा पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग होंगे वो सब बताएँगे, उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएँगे, दवाइयाँ खाते हैं परहेज करते हैं तो उसी दिन इनको 10% रोग में आराम भी मिल जाएगा। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं हरियाणा के शहर रेवाड़ी से आया हूँ और मुझे करीबन 15 साल की एज से मतलब हार्ट में वाल में श्रिंक था और मेरे पैर के जोड़ रुक गए थे। दिल्ली मेडिकल मेरा इलाज चला करीबन कोई मतलब 15 साल, उसके बावजूद मैं फिर धीरे धीरे इनके पास आया, मुझे किसी ने बताया कि इनके पास आओ, तो मैं इनके पास आया, फिर मैंने यहाँ इनका इलाज कराया, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे मतलब हाथ ब्लू लोग के हैं और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आ रही अब, और मैं बिल्कुल ओके हूँ। मेरे पहले वाल श्रिंक था वो भी ठीक हो गया, सारी टेस्टिंग मेरी नॉर्मल आई है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी इनको, आने जाने में कहीं नहीं आते जाते थे, बच्चे लोग बहुत डर गए थे कि पापा तुमको क्या हो गया, मगर गुरुजी का भी सख्त विचार देख के हम यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में आए हैं, दिखाए तो बहुत इनको आराम मिला है। जी जैसे कि हम दुबले शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों की सेहत नहीं बन पाती, जिम का भी वो सहयोग लेते हैं, सहायता लेते हैं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए बेटा, जिम जो है एक किस्म का षड्यंत्र है, इससे कोई लाभ नहीं होता। ये कहें कि जिम से लाभ होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी पे कह सकता हूँ कि इससे रोग तो आप पैदा कर सकते हैं परंतु रोग काट नहीं सकते। जिसके शरीर में थोड़ी ताकत हो जिम में चलेगा उसको तो कोई तरह नुकसान नहीं होगा। जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनकी नाभ भी अपनी जगह से हट गई है, जिम में जाने से वो रोग उसका दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। फिर वो चाहे आयुर्वेद में जाए, चाहे उनानी में जाए, चाहे होम्योपैथी में जाए, चाहे एलोपैथी में जाए, उसका कहीं भी उपचार नहीं है। जी तो गुरु जी, योग के माध्यम से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जी वशिष्ठा, मुझे ये पता करना मेरा कि ये जो लहसुन प्याज है ये दूध से भी डाल कर पी सकते हैं, नहीं पी सकते दूध में? जी जी गुरु जी, देखिए बेटा, लहसुन प्याज अदरक आप 12 महीने पी सकते हैं, इसको गर्म नहीं करना, पानी गर्म करना, फिर उसको नीचे उतार के तब इसका रस ताजा निकाल के मिलाना है, और जिस टाइम मिलाना उससे आधे घंटे के अंदर अंदर पानी में मिला के इसको पी लेना है। उससे ज़्यादा देर रखते तो इसका भी लाभ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जब आप इसको निकालेंगे जो इसकी गंध उड़ जाती है, गंध उड़ गई तो ये भी एक किस्म का कचरा है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं। मैम, मैं अनु बोल रही हूँ न्यू दिल्ली से। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं गुरु जी से। पहले गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, जाना चाहते, मेरी मम्मी को माइग्रेन है जी 8-10 सालों से, और वो ये बाहर की दवाइयाँ खाती है, उनको उल्टी होता है, सब कुछ होता है, पर माइग्रेन ठीक नहीं होता कंटिन्यू। देखिए बेटा, माइग्रेन का इलाज मेडिकल साइंस में पूरे संसार में नहीं, उनका बिजनेस है। जितनी देर तक उस दवाई का नशा रहेगा और शरीर सुन्न हो जाएगा, पता नहीं लगेगा।
मेरे पास ऐसे उपचार हैं, मेरे पास उपचार हैं, खाने की दवाइयाँ हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। दवाई खाएंगे और तेल की मालिश करेंगे तो उसी टाइम माइग्रेन में कम से कम 25-30% राह मिल जाएगा। एक महीने में माइग्रेन का नाम नहीं रहेगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण होता है। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी ले, दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। आपने मुँह से कुछ नहीं बोलना कि मुझे क्या बीमारी, क्या तकलीफ है। मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ है, दवाइयाँ दूँगा, दवाइयाँ नियम से खाती है, परहेज करती है और मालिश करती है। तो उसी दिन शाम को जब एक्यूप्रेशर किया जाएगा तो कम से कम 15-20% आराम जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक नाड़ी परीक्षण कराने के इच्छुक हैं वो वीरवार से लेकर मंगलवार के बीच में आश्रम में पहुंच सकते हैं। आश्रम में जाने के बाद गुरुजी आपका चंद सेकंडों में ही नाड़ी परीक्षण करने के बाद आपको बताएंगे आपके जीवन में कौन कौन सी बीमारियों का प्रवेश हो चुका है, किस प्रकार से इनका आप निवारण बहुत आसानी से कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी और निश्चित ही आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो एक बार आश्रम में आइए और देखिए किस प्रकार से आपकी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। फिलहाल एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, किडनी से जी, प्रोटीन जाता है जी। देखो बेटा, जब किडनी काम करेगी नहीं तो प्रोटीन तो बाहर निकलेगा ही। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी ले, दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। उसमें जो भी आपके अंदर रोग पाए जाएंगे और दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन 5-10% आराम मिलेगा, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए तो लगातार आपकी सुविधा के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे कार्यक्रम को सोशल नेटवर्किंग साइट यानी कि फेसबुक यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को बहुत आसानी से यूट्यूब फेसबुक पर देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल संस्कृति टीवी को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस कार्यक्रम का आनंद फ़ोन पर भी उठाइए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इलाहाबाद से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं गुरुजी से? मैं जानना चाहती, मेरा छोटा भाई है, उसको अल्सर हो गया है। जी जी गुरुजी। देखिए बेटा, अल्सर होता है इंग्लिश दवाइयों के खाने से, तली हुई चीजों के खाने से, आर्टिफिशियल चीज़ें खाने के। इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। ज़्यादा ऑपरेशन करके आंतों को काट देंगे। आप यहाँ लाइए इसको, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा कुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसता रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर मैं इसका नामकरण करूँगा, 10 से 12 नाड़ी परीक्षण होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाएंगी उससे अल्सर ऐसे कटेगा जैसे तेज बारिश होने पर नदी में बाढ़ आके उसके किनारे साफ़ हो जाते हैं और निर्मल पानी हो जाता है, ऐसे आंतें साफ हो जाएंगी और इसको कोई अल्सर की तकलीफ नहीं रहेगी। गुरुजी, जैसे कि आज हम सूखा शरीर पे बात कर रहे हैं, लोग दुबले रहते हैं, पतले रहते हैं, आपने बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी, यहाँ पर जानना चाहूँगी क्या योग के माध्यम से अपने शरीर को अच्छे तरीके से बना सकते हैं या फिर अपनी सेहत बना सकते हैं? देखिए बेटा, जो भी योग करने वाला उसको कभी ज़िंदगी में कोई रोग होता ही नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग प्रणाम ये एक किस्म का अमृत है। जो सुबह 4 बजे उठ करके कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक करते हैं, अलोन विलोन करते हैं, उसके बाद मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मार्गघटासन, गौमुखासन, सभासन, सर्वांगासन, हलासन, इतना कर लेते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है और ना ही शरीर में किसी किस्म की कमजोरी महसूस होगी।
जी गुरु जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है, अगर वो सेहत बनाना चाहता है तो कई प्रकार के जूस का सेवन करता है, दवाइयों का सेवन करता है, जिससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। आपसे जानेंगे इन साइड इफेक्ट्स को किस तरह से हटा सकते हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मनु बोल रही हूँ, दिल्ली से। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं गुरु जी से? मुझे थायराइड बीमारी है, जी होने वाला, तो मुझे गुरु जी से जानना था तो कोई उपाय है? जी देख बेटा, थायराइड होता है ठंडे पानी से, तली हुई चीज़ों से, मैदे की चीज़ें खाने से, आर्टिफिशियल चीज़ों के खाने से, और इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। यदि दवाइयाँ आप ओवरडोज लेते हैं तो इससे कई साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जितने भी रोग आपके शरीर में मिलेंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाएंगे और थायराइड की दवाई दिन में 4 बार लेंगे, एक एक चम्मच चूसेंगे, इसके ऊपर पानी नहीं पीना 1 घंटा, तो 1 महीने में चाहे आपका थायराइड कितना पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर एक बीमारी का इलाज आपको आयुर्वेद में मिल सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले आयुर्वेद पर विश्वास करना होगा, तत्पश्चात ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ परहेज भी आपको पूरा करना है। आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे, तो दवाइयाँ आपकी मिट्टी की तरह कार्य करेंगी और आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाए, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करिए, गुरुजी से बात करिए और जानिए कौन सी बीमारी के लिए कौन सा उपचार आप कर सकते हैं जिससे आपका जीवन स्वस्थ हो जाए। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं? मैडम जी, अभी पंजाब तो बोल रहे हैं, पहले भी बात करी थी, भी मतलब गुरु जी से पूछना था, मुंडे का ना 8-9 साल पहले बाहर का ऑपरेशन होया, बाहर बिल्कुल नहीं चलती, गुरु जी ने पूछा भी उन्हें आश्रम में आते हैं तो हो जाएगी ठीक जी? जी देखो बेटा, मेडिकल में प्रेशन करने से कोई अंग नहीं खुलता पूरा। यहाँ पे चाहे कितना भी अंग सूखा हुआ है, कितना भी जामा खुल जाता है, परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं होता। यदि नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, मालिश करने वाले तेल की मालिश करते हैं, तो किसी के 2 महीने लगते हैं, किसी के 4, ज़्यादा 6 महीने लगते हैं और अंग पूरे खुल जाते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही है? हम उत्तराखंड से माया बोल रहे हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं गुरुजी से? हमारी ना एक 12 साल की लड़की बहुत कमजोर है जी, दुबली पतली, शरीर बनता नहीं उसका जी। तो बेटा, जब उसका लीवर काम नहीं करेगा, खाया पिया पूरा पचेगा नहीं, पेट साफ होगा नहीं, तो शरीर कहाँ से बनेगा? आप ऐसा कीजिए, उसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रखकर चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। जो इसको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल आए करेंगे, तो 15 दिन में कम से कम 500 ग्राम वजन भी बढ़ा दूँगा। गुरुजी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतना समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।